सदाबहार अदाकारा नरगिस दत्त ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और जिसमें एक फिल्म है रात और दिन। और अब खबर है कि ऐश्वर्या राय बच्चन नरगिस की इस फिल्म के रीमेक में करेंगी काम। और नरगिस दत्त की फिल्म रात और दिन के रीमेक में काम करने के लिए ऐश्वर्या है बेहद एक्साइटेड। ऐश ने तो फिल्म के मेकर से सारे राइट्स खरीदने की बात भी कह दी है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को मनोज कुमार की फिल्म वो कौन थी ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने सारे राइट्स खरीदने पर ही फिल्म साइन करने की बात कही। साथ ही खुद संजय दत्त ने ऐश्वर्या राय बच्चन को नरगिस की फिल्मों के लिए बेहतरीन एक्ट्रेस बताया है। साथ ही आपको बता दें कि फिल्म रात और दिन के लिए नरगिस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। फिल्म रात और दिन में नरगिस ने एक पागल का किरदार निभाया था और सबसे खास बात यह कि फिल्म रात और दिन नरगिस दत्त की आखिरी फिल्म थी। साथ ही आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन कुछ दिन पहले ही फन्ने खान में नजर आई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिलहाल ऐश्वर्या अब अपनी अपकमिंग मूवी गुलाब जामुन पर कर रही हैं फोकस, जिसमें उनके साथ 8 साल बाद नजर आएंगे अभिषेक बच्चन। खैर देखते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन नरगिस के किरदार में क्या कमाल दिखाती हैं। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। सदाबहार अदाकारा नरगिस दत्त ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और जिसमें एक फिल्म है रात और दिन। और अब खबर है कि ऐश्वर्या राय बच्चन नरगिस की इस फिल्म के रीमेक में करेंगी काम। और नरगिस दत्त की फिल्म रात और दिन के रीमेक में काम करने के लिए ऐश्वर्या है बेहद एक्साइटेड। ऐश ने तो फिल्म के मेकर से सारे राइट्स खरीदने की बात भी कह दी है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को मनोज कुमार की फिल्म वो कौन थी ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने सारे राइट्स खरीदने पर ही फिल्म साइन करने की बात कही। साथ ही खुद संजय दत्त ने ऐश्वर्या राय बच्चन को नरगिस की फिल्मों के लिए बेहतरीन एक्ट्रेस बताया है। साथ ही आपको बता दें कि फिल्म रात और दिन के लिए नरगिस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। फिल्म रात और दिन में नरगिस ने एक पागल का किरदार निभाया था और सबसे खास बात यह कि फिल्म रात और दिन नरगिस दत्त की आखिरी फिल्म थी। साथ ही आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन कुछ दिन पहले ही फन्ने खान में नजर आई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिलहाल ऐश्वर्या अब अपनी अपकमिंग मूवी गुलाब जामुन पर कर रही हैं फोकस, जिसमें उनके साथ 8 साल बाद नजर आएंगे अभिषेक बच्चन। खैर देखते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन नरगिस के किरदार में क्या कमाल दिखाती हैं। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल।